तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हमने बात की कि वी हैव टू गो थ्रू नोटेशनल सिस्टम स्टेप बाय स्टेप एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल वेरिएंस एंड देन डिवाइड दैट वेरिएंस इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड सी एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट एफ रेशो। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं कि कैसे हम एफ रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने एग्जांपल ग्रेवेटर की बुक में से ही ली है। इट्स इजी वन, स्मॉल डाटा स्मॉल सैंपल। सो वी हैव द सेम टेलीफोन कंडीशन इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ पे हमारे पास थ्री लेवल्स हैं। नो ट्रीटमेंट नो फोन नंबर टू में है हमारे हैंड्स हेल्ड फोन एंड नंबर थ्री में हमारे हैं हैंड्स फ्री फोन। और हमारे पास तीन ग्रुप्स में पांच पांच लोग हैं जो हमने रेंडमली असाइन किए हैं तीनों ग्रुप्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि नो फोन के अंदर सो मोर स्कोर का मतलब है बेटर परफॉर्मेंस इन द ड्राइविंग सिमुलेटर। तो हमारे पास स्कोर्स हैं पांच पांच लोग हैं हमारे तीनों ग्रुप्स के अंदर, वन टू थ्री फोर फाइव। और उन पांचों लोगों का ड्राइविंग परफॉर्मेंस या ड्राइविंग सिमुलेटर के ऊपर परफॉर्मेंस स्कोर है। तो नो फोन के अंदर आप स्कोर्स देख सकते हैं दूसरे में भी और तीसरे में भी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो हमने कैलकुलेट करने हैं, हमने बेसिकली उनकी हमने सम ऑफ स्क्वायर यानी एस एस कैलकुलेट करना होता है। इस स्लाइड के अंदर लेटर के इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशंस दैट इज़ द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द फैक्टर्स। तो हमारे पास ये है कि इसका मतलब है कि हमारी कंडीशंस कितनी हैं। तो हमारी तीन कंडीशंस हैं। ये कैपिटल एन का मतलब है कि हमारा सैंपल साइज कितना है टोटल तीनों ग्रुप्स में, तो वो 15 है। जी का मतलब है कि हमारा टोटल एक्स स्क्वायर एक्स कितना है यानी समेशन एक्स। अगर इन 15 की 15 वैल्यूज़ को जमा करें परफॉर्मेंस के ऊपर तो वो हमारी कितनी आती है। सो इसको जी या हम समेशन एक्स भी कह सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 30। और समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि आपने हर एक्स को स्क्वायर किया और फिर समेशन किया यानी करने के बाद। सो वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। आपका टी वन जो है टोटल ऑफ ग्रुप वन है यानी अगर आप इन पांच वैल्यूज़ को जमा करें तो वो 20 आता है। टी टू का मतलब है कि इन पांच वैल्यूज़ को जमा करें तो 5 है, ये 5 है। सो आपने एस एस कैलकुलेट करना है। एस एस का फॉर्मूला जो है याद रखें कि इसका मतलब है कि समेशन एक्स माइनस मीन स्क्वायर। इसको मैं मिटा के दोबारा लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। एस एस इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस मीन स्क्वायर। आप अभी आपने एन से डिवाइड नहीं करना बल्कि सिर्फ आपने हर एक्स में से उसका मीन माइनस करना है और उसको स्क्वायर करना है। मसलन इसका मीन जो है हमारे पास आया है 4। वो कैसे 4 आया है, हमने इन सारों को जमा करके पाँच पे डिवाइड किया तो मीन इज 4। अब आपने हर वैल्यू में से 4 माइनस 4 और उसको स्क्वायर कर लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह आपने सारों को किया तो आपका एस एस 1 6 आ गया, एस एस 2 6 आ गया, एस एस 3 आपका 4 आ गया। तो हमने हर एक्स में से मीन माइनस करके स्क्वायर किया और हर ग्रुप के लिए हमने सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करी। सो सम ऑफ स्क्वायर बेसिकली इज़ अ वेरिएबिलिटी, आपका स्प्रेड है स्कोर्स का कि आपका हर स्कोर मीन से कितना परे है। और फिर आपने एन वन दे दिया और फिर आपने मीन दे दिया। ये हमने बेसिक कैलकुलेशंस कर ली। मीन हम निकालने के लिए समेशन एक्स बाय एन किया है और हमने एस एस निकालने के लिए हमने एक्स माइनस मीन ये लिखा हुआ इधर, इसको मैंने दोबारा लिख दिया है, ये हमने कैलकुलेट किया है। इसमें हम आई विल टेल यू एग्जैक्टली जो हमारा पीछे हमने कैलकुलेशन टेबल में की है। नंबर वन, एनालिसिस ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स। सबसे पहला स्टेप हमने सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं तीनों ग्रुप्स के लिए, और सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने का मैंने आपको फार्मूला बता दिया। उसके बाद हमने ईच ऑफ द टू वेरिएंस इन द एफ रेशियो इज कैलकुलेटेड यूजिंग बेसिक फार्मूला फॉर सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस निकालने के लिए आपने एस एस को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है। तो दिस इज वेरिएंस का सिंबल है, और वेरिएंस का सिंबल का मतलब है कि जो आपने एक्स माइनस मीन स्क्वायर किया है आप उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे कैलकुलेट कर लें तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, और ये वेरिएंस आपने टोटल भी निकालना है, आपने विद इन भी निकालना है, और आपने बिटवीन भी निकालना है। उसके बाद है ईच ऑफ द टू वेरिएंसेस इन द एफ रेशो इज कैलकुलेटेड यूजिंग द बेसिक फार्मूला फॉर द सैंपल। आपने वेरिएंस निकाल लिया बिटवीन ग्रुप्स का और जो हमने कहा था विद इन ग्रुप का, और उसके बाद हमने उसका टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स भी निकाल। लेट्स डू, मेरे ख्याल से इसको वन बाय वन करते हैं। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स करने का फॉर्मूला आपका
समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन है, ये भी हम इसको फॉर्मूला में वैल्यूज प्लग इन करके कैलकुलेट करते हैं। और ये भी उसी तरह ही है कि आपने वेरिएबिलिटी इन साइड ईच ट्रीटमेंट कंडीशन कितनी, सो लेट्स कैलकुलेट इट और फिर आई विल कम बैक टू दीज क्या है। तो टू सम अप ऑल दीज, नंबर वन हम कैलकुलेट करेंगे SS यानी सम ऑफ स्क्वायर्स, नंबर टू पे हम कैलकुलेट करेंगे हर ग्रुप के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्योंकि हमने SS को डिवाइड करना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, और नंबर थ्री पे हम एफ रेशो कैलकुलेट करेंगे जिसमें हम बिटवीन वेरियंस डिवाइडेड बाय विद इन वेरियंस करके सिंपल एफ रेशो कैलकुलेट करेंगे। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने तीन तरह की निकालनी है, पहली हमने बिटवीन के लिए निकालनी है, फिर हमने विद इन के लिए निकालनी है, और फिर हमने टोटल के लिए निकालनी है। तो आपकी बिटवीन ग्रुप्स के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब है, हमने टी टेस्ट में भी बात की थी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब है एन माइनस वन, यानी हम एक सेल्फ फ्री रखते हैं सो वी कैन रीच टू द ट्रू कंक्लूजन। तो हमारी बिटवीन ग्रुप्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए जितने ग्रुप्स हैं के इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स, उसमें से हम वन माइनस करेंगे। हमारे पास ड्राइविंग के थ्री लेवल्स हैं, हम उसमें से वन माइनस करेंगे तो हमारी बिटवीन ग्रुप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू आ जाएगी। और हमारी उसके बाद टोटल विद इन ग्रुप वेरियंस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो है एन माइनस के, हमारा टोटल एन 15 है और हमारे ग्रुप्स थ्री हैं तो हमारी विद इन ग्रुप वेरियंस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 12 आ जाएंगे। और टोटल अगर आपने निकालनी है तो टोटल हमेशा होता है एन माइनस वन, अगर हमारे पास 15 है तो हमारी टोटल जो है सम ऑफ स्क्वायर्स के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 14 हो जाए। तो हम तीन तरह की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, तीन तरह के सम ऑफ स्क्वायर्स निकालेंगे और फिर हम उसमें वेरियंस बिटवीन को डिवाइड करेंगे वेरियंस विद इन पे, तो हमारी एफ रेशो हमारे पास आ जाए। सो लेट्स डू वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर्स व्हिच इज विद इन सम ऑफ स्क्वायर। तो विद इन सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आपने हर ग्रुप का ऑलरेडी निकाला हुआ है 6 6 6, आप सिंपल क्या करेंगे तीनों को ऐड कर लेंगे, 6 + 6 + 4 = 16। तो नेक्स्ट हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, टोटल SS, और टोटल SS निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे दिया है विच इज समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन। हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर हम अगर आप करके भी देखें इस डेटा का तो इट इज़ इक्वल टू 106, और फिर हम समेशन एक्स टोटल हमारा ये 30 है तो 30 का होल स्क्वायर और एन हमारे पास 15 है, तो अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 46। यू कैन गेट द कैलकुलेटर एंड कैन कैलकुलेट। तो अब अपने बिटवीन SS निकालना, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, और बिटवीन निकालना सबसे आसान है क्योंकि अगर आप टोटल में से विद इन माइनस कर दें तो आपका बिटवीन आ जाए, क्योंकि टोटल अगर वेरियंस 46 है और विद इन 16 है तो सिंपल आप 16 को इसमें से माइनस कर दें और बाकी वो हमारा बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 46 माइनस 16 इज इक्वल टू 30। तो ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा हमारा स्टेप है कि वी हैव टू कैलकुलेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैंने बताया है कि आपने विद इन निकालनी है, बिटवीन निकालनी है और टोटल निकालनी है। तो विद इन के लिए मैंने बताया कि आपका फॉर्मूला है एन माइनस के विच इज़ इक्वल टू, एन हमारा 15 है, ग्रुप्स हमारे तीन है तो विच इज़ इक्वल टू 12, और बिटवीन के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है के माइनस वन, हमारे तीन ग्रुप्स हैं तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, और टोटल के लिए मैंने आपको बताया है कि हमारे पास टोटल एन कितना है और उसमें से फिर हम 1 माइनस कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 15 - 1 इज 14। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। तीसरा स्टेप हमारा है कि हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करके विद इन वेरियंस निकालना है जिसको कि हम मीन स्क्वायर भी कहते हैं, मीन स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं वेरियंस। तो
वेरिएंस विदिन निकालने के लिए आपने जो एस एस विदिन निकाला हुआ है उसको विदिन के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे। ये भी विदिन है, ठीक है। हमारा विदिन का एस एस आया हुआ है कितना, हमने विदिन का एस एस निकाला था 16, ये वाला, और इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने निकाली थी 12। तो 16 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1.33। अब हम निकालेंगे बिटवीन के लिए, बिटवीन एस एस या बिटवीन सम ऑफ बिटवीन वेरिएंस, और इसको मीन स्क्वायर भी कह सकते हैं बिटवीन, और इसको वेरिएंस बिटवीन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने बिटवीन का कितना एस एस निकाला था, बिटवीन का एस एस हमने निकाला था ये वाला 30, और हमने बिटवीन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाली थी 2। तो 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15। तो अब हमारे पास दोनों वेरिएंस आ गए, और हमारी जो एफ रेशो है दैट इज इक्वल टू बिटवीन वेरिएंस डिवाइडेड बाय विदिन वेरिएंस, और हमने बिटवीन निकाला है 15 और हमने विदिन निकाला है 1.33। तो इसको कैलकुलेट करें तो हमारी एफ रेशो कितनी आ जाएगी, ऑलमोस्ट इसको कैलकुलेट करके देख लें, अगले पेज पे मैंने निकाला हुआ है। तो दिस इज स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन पे यू विल कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर यानी वेरिएबिलिटी इन द डेटा, देन यू विल कैलकुलेट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल थ्री, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ऑल थ्री, एंड देन यू विल कैलकुलेट वेरियंस एक्चुअली फॉर बिटवीन एंड फॉर विदिन, और फिर आप एफ रेशो निकालेंगे चौथे स्टेप के ऊपर जो कि है आपका बिटवीन वेरियंस डिवाइडेड बाई विदिन वेरियंस। एंड वंस यू कैलकुलेट इट, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने टी टेस्ट के अंदर कंपेयर किया था कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है और उसको हमने टेबल वैल्यू से कंपेयर करना है, तो हम बिल्कुल उसी तरह से इसको यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे टू ड्रॉ अ कंक्लूजन कि हमारा क्या निकलता है, क्या रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं कि नहीं। एंड यू रिमेंबर कि जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी होगी तो हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट होंगे, और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम होगी तो हमारा रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये हमारी समरी टेबल है, ये भी ग्रेवेटर की बुक में से एग्जैक्टली एग्जाम्पल ली हुई है। तो यू कैन सी कि हमने पहले स्टेप पे एस एस निकाला सम ऑफ स्क्वायर, और आपको पता है कैसे निकाला, एक्स माइनस मीन स्क्वायर करके, फिर हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाली, और फिर हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करके एम एस स्टैंड्स फॉर मीन स्क्वायर और हमने निकाला, और फिर एफ रेशो निकाली बिटवीन वेरियंस डिवाइडेड बाई विद इन वेरियंस करके विच इज इक्वल टू 11.28। ये 28 है, ऐसे ही आएगा के साथ। सो ये हमारा टेबल एक्चुअली, और ये हमने वेरियंस को स्प्लिट करके उसकी एग्जैक्टली बता दिया कि कहाँ कहाँ पे टोटल वेरिएबिलिटी कितनी है, और फिर वो बिटवीन में कितनी जा रही है, और फिर वो विदिन में कितनी आ रही है। इजंट इट अमेजिंग के यू वांटेड टू सी के ड्राइविंग परफॉर्मेंस में किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वजह से कितनी चेंज आ रही है, एंड यू वांट टू सी अदर फैक्टर्स आल्सो जो कि रैंडम हैं, जो नॉइज़ हैं, जो कि विद इन फैक्टर्स हैं, जो कि एरर वेरियंस है, हम उनको अलग कर देते हैं और हम प्योरली ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखते हैं कि कितना हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे आ रहा है। ये बिल्कुल आपका एफ टेबल है, इट इज़ अवेलेबल इन एनी स्टैट्स बुक, जैसा टी का टेबल मैंने आपको दिखाया था। सो यू हैव टू सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर बिटवीन ग्रुप विच इज़ न्यूमरेटर, इसको बिटवीन ग्रुप की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और ये डिनोमिनेटर में हमारा चूंकि एरर वेरियंस है, विद इन ग्रुप वेरियंस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हमारी 2 है बिटवीन ग्रुप के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और विदिन के लिए हमारी 12 है। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई हैं, पहली वैल्यू हमारी 3.88 अल्फा 0.05 पे है, और 6.93 हमारी जो है वो अल्फा 0.01 पे है, यानी रिजल्ट्स हमारे सिग्निफिकेंट। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीजन में फॉल करेगी तो वी विल क्लेम कि हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं। तो हमारी वैल्यू है 11.28 कैलकुलेटेड वैल्यू, इट इज़ इवन फार अबव, तो हमारे रिजल्ट्स हाईली सिग्निफिकेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं अल्फा 0.01 पे भी सिग्निफिकेंट हैं, बिकॉज आर कैलकुलेटेड वैल्यू 11.28 इज ग्रेटर देन आपकी टेबल वैल्यू विच इज 6.9।
ठीक है, तो हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं। सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स का मतलब होता है कि वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा था कि तीनों ग्रुप्स में परफॉर्मेंस इक्वल होगी, लेकिन नहीं, फ़ोन यूज़ करने से और फ़ोन यूज़ ना करने से आपकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है।